हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप अच्छे ही होंगे। चलिए आज बनाते हैं मौसमी का जूस। तो ये हमारे घर पर मौसमी का पौधा है जिस पे बहुत अच्छे मौसमी लगे हुए हैं। ये देखिए कितने मोटे मोटे और पक करके तैयार हो रखे हैं। और मौसमी के वजन से ये पौधा टूटने को हो रखा है, इसलिए हमने इसको ये लकड़ी से सपोर्ट दे रखा है ताकि कहीं ये टूट ना जाए। ये देखिए पौधा बिल्कुल नीचे टिकने को हो रखा है। देखिए कितने मोटे मोटे मौसमी हैं। चलिए अब इनको वॉश करके और जूस निकालते हैं। आप भी इसी प्रकार घर पर जूस निकाल सकते हो। सेम वैसा ही टेस्ट बनता है जैसा मार्केट में पी करके आते हैं। और इसकी ये एक छोटी सी मशीन आती है जो हाथ के द्वारा इसका हैंडल घुमा करके हम घर पर ही जूस तैयार कर सकते हैं। पहले इसको मौसमी को वॉश करके और इसको बीच से कट कर लेते हैं, हाफ हाफ कट कर लेते हैं। और ज़्यादा इसको छीलने की ज़रूरत नहीं है और न ही इसके बीज निकालने की ज़रूरत है। जैसे ही हम जूस निकालेंगे इसके बीज और छिलके सेपरेट हो जाएंगे और इतना अच्छा जूस निकल के तैयार हो जाएगा। ये देखिए मौसमी पककर बिल्कुल अच्छे से तैयार हो रखे हैं। चलिए अब जूस निकालते हैं। इसी प्रकार इस मशीन में हाफ हाफ मौसमी रखोगे और इसे हैंडल को घुमाते रहेंगे और ये छिलके बिल्कुल अलग हो जाएंगे और बीज इसके सेपरेट हो जाएंगे और पेवर जूस निकल के तैयार हो जाएगा। ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है, न ज़्यादा समय लगता है। तो आप घर पर भी जूस निकाल करके बच्चों को पिला सकते हो जो सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। ये देखिए ज़रूरी नहीं है मार्केट में जा करके ही हम मौसमी का जूस पी सकते हैं, घर पर भी निकाल सकते हैं। छोटी सी मशीन आती है, ये देखिए कितना जल्दी जल्दी निकल रहा है। इसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ये अंशुल वेट कर रहा है जूस का, फिर पी करके ट्यूशन जाएगा। ये देखिए एक मग भर करके तैयार हो गया है। इसमें न बीज हैं न छिलके हैं। ये देखिए पेवर जूस है, कितना अच्छा निकला है। आप भी अपने घर पर मौसमी ला करके इस प्रकार से निकाल सकते हो। ये देखिए दूसरा मग भी हमारा भर करके तैयार हो गया है। ये छिलके बिल्कुल अलग हैं, न इसके काटने छाटने की ज़रूरत है। हाफ करो और सीधा जल्दी से जूस निकालो। ये देखिए दूसरा मग भी तैयार हो गया है। इस प्रकार हम सब घर पर यह जस्ट इस मौसमी का जूस बना सकते हैं और घर पर ही तैयार कर सकते हैं। आप भी अपने घर पर बनाइए और बच्चों को पिलाइए जो सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। अब इसको छान लेते हैं और ये ज़्यादा खट्टा होती है इसलिए इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके और स्वाद के अनुसार नमक और मीठा डाल करके इसको तैयार कर लेते हैं। ये देखिए इसमें थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ। अब इसको मिक्स कर लेते हैं और हमारा जूस तैयार। कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगा। स्वाद के अनुसार ये ज़्यादा खट्टा है इसलिए थोड़ा सा मीठा डाल देती हूँ, थोड़ा सा नमक डालती हूँ और थोड़ा सा काला नमक डालते हैं जिसे सेंधा नमक भी कहते हैं। अब इसको मिक्स कीजिएगा और सर्व कीजिएगा। ये देखिए जूस हमारा बनकर तैयार हो गया है। कितना अच्छा कलर आया है। सेम वही टेस्ट है जैसे मार्केट में होता है, मार्केट में हम पीते हैं वही टेस्ट है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। और आप भी अपने घर पे बनाने की कोशिश कीजिएगा और बना करके अवश्य बताइएगा कि आपके घर पर बना हुआ जूस कैसा बना। ओके बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।